नमस्कार साथियों तो आज हम पहुंच गए हैं जबलपुर संस्कार धानी के एक ऐसे दैविक चमत्कारिक स्थान में जिसकी स्थापना के पीछे कई बहुत बड़े रहस्य छुपे हुए हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे जी हाँ हम बात कर रहे हैं जबलपुर के व्यस्तम मार्केट गंजीपुरा में स्थित एक छोटे से गणेश मंदिर की जो दिखने में तो काफी छोटा है लेकिन उसके पीछे के रहस्य काफी बड़े बड़े है हम बात कर रहे हैं गंजीपुरा के शेषनाग गणेश मंदिर की इस मंदिर से जुड़ी काफी कथाएं प्रसिद्ध हैं जब हमने इन कथाओं को टटोलना चाह तो कई ऐसे राज खुलकर सामने आए जिन्हें और सुनकर हम हैरान हो गए क्या वाकई ऐसा हुआ होगा जब हमने वहाँ मौजूद लोगों से इस बारे में बात करी तो उन्होंने इस मंदिर और यहाँ स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा से जुड़े हुए कई रहस्य खोल दिए उन्होंने बताया कि वर्ष उन्नीस में उन्होंने यहाँ गणेश उत्सव का शुभारंभ किया था मैं आपको जानकारी देगी कि यहाँ पर क्या एक युवा वर्ग था जो यहाँ गणेश उत्सव मनाया जाता था गणेश उत्सव में ऐसा था कि की सभी प्रकार के विभिन्न विभिन्न प्रकार के गणेश मनाया करते थे हर वर्ष यहाँ पर वह विभिन्न प्रकार की भगवान की प्रतिमाएं स्थापित करते थे जिसमें सिक्के के गणेश केले के गणेश ईटो के गणेश मोम के गणेश और आदि विभिन्न प्रकार की गणेश भगवान की प्रतिमाएं हर साल उनके द्वारा स्थापित की जाती थी और धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाता था लेकिन वर्ष उन्नीस में जब वह नागपुर के प्रसिद्ध गणेश टेकरी मंदिर की मिट्टी लाकर यहाँ पर उन्होंने उसकी आकृति बनाकर उन्हें स्थापित कराया तो इसके बाद पूरे उत्सव के दस दिन बीत जाने के बाद जब विसर्जन का समय आया तो समिति के सदस्यों और श्रद्धालुओं ने बहुत प्रयास किए लेकिन गणेश जी की उस प्रतिमा को वह वहां से ना हिला पाए और जब उन्हें तो तब भी नहीं उठे, तो सभी व्यापारी वर्ग मोहल्ले के सभी महिलाएं जैन सबने मिलकर तो यह स्थापित करें जिससे प्रभु सभी को आशीर्वाद दें और साथ ही गणेश उत्सव गणेश जी नागपुर के प्रसिद्ध गणेश टेकरी की मिट्टी से बनी हुई उस प्रतिमा को हिलाने में बड़ी बड़ी मशीनें क्रेन और जेसीबी जैसी मशीनों में भी दम तोड़ दिया प्रभु के चमत्कार के सामने जेसीबी और क्रेन जैसी आधुनिक मशीनों ने भी दम तोड़ दिया काफी मेहनत करने के बाद जब भगवान गणेश की उस प्रतिमा को वहां से कोई नहीं हिला पाया तो सभी लोगों ने उन्हें वहां स्थापित करने का फैसला कर लिया उस वर्ष से लेकर आज तक गणेश जी की वह प्रतिमा शेषनाग गणेश जी के नाम से पूरे संस्कार धानी में प्रसिद्ध है और वहां भगवान गणेश का मंदिर स्थापित कर दिया गया जब बहुत मेहनत करने के बाद भी प्रतिमा हिलाने में लोग नाकाम रहे तो उन्होंने पीओपी पी की एक हु प्रतिमा बनाकर उस प्रतिमा का धूमधाम से विसर्जन किया और गणेश टेकरी मंदिर की उस मिट्टी से बनी हुई भगवान गणेश की उस प्रतिमा को वहीं स्थापित कर दिया और तब से वो प्रतिमा और वो मंदिर गंजीपुरा के उस मार्केट में शेषनाग गणेश मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है